अब मेरे पास देखो कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है बीजीएमआई के अनबैन से रिलेटेड, या आप कह सकते हो कि परमानेंटली डेड से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने अभी तक कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर्स की क्लिप मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, जिनसे आप लोगों को ऐसा फील होगा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सबसे पहले तो उनको कुछ भी नहीं पता। कुछ भी मतलब कि बीजीएमआई के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी उनके पास नहीं है। जितने भी ई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स, बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स के जो सीईओ हैं, चलवा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि बीजीएमआई जो है जो ई स्पोर्ट्स के बारे में अभी फ़िलहाल में उसको अप करना चाहा, इस सब चीज़ें ठीक है, एक जगह अपनी जगह ठीक है, बट हमने देखा है कि जो इंडिया है, इंडिया जो है वो ई स्पोर्ट्स को कितना भी आगे ले जाना चाहे, बट उसमें भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ई स्पोर्ट्स में वो माइंडेड गेम्स, जैसे कि आप लोग कह सकते हो कुछ ऐसे गेम हो जिससे कुछ सीखने को मिले हमें अपने कल्चर से रिलेटेड, या फिर अपने कुछ इन्फॉर्मेशन उससे सीखने को मिले। सिंपल से ऐसे गेम्स, गेम में मार धार या फिर ये जो गलत चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं की जाएगी इंडिया के अंदर, मुझे जहाँ तक लग रहा है। एंड बीजीएमआई या पबजी, सबसे पहले तो बीजीएमआई ने एक सबसे बड़ी गलती ये की कि पबजी का टू कॉपी बीजीएमआई बनाया। इनके पास अच्छा खासा चांसेस थी, ये चाहते बूस्टअप कर लेते, बट ये इतने चूतियापा किए हैं भाई कि इनका गेम बैन होने मांगता था। अब जब बैन हो गया तो फड़फड़ा रहे हैं भाई कुछ नहीं होने वाला। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजीएमआई नहीं आएगा, आ भी सकता है, बट अभी हाल ही की मैं देख रहा हूँ, हाल ही में कोई भी अभी मुझे ऐसे कोई ठोस चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ऐसी कोई ठोस बातें आप कह सकते हो नहीं मिल रही हैं जिससे ये चीज़ मैं कह सकूँ कि बीजीएमआई आएगा। देखो मैं पिछले कुछ महीने, एक आध महीने पहले चीज़ें मिली थी, बट अभी की डेट में हाल ही में एक महीने में क्या हुआ है वो मैं देख रहा हूँ, वो मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता लग रहा है। ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए टेंशन का चीज़ हो चुका है, क्योंकि ऐसा अगर नहीं मिल रहा है इन्फॉर्मेशन तो ऐसा हो नहीं सकता कि भाई अगर कोई चीज़ अच्छी चल रही तो उसका कहीं ना कहीं से लीक्स ना निकल के, थोड़े से निकल चुका है। अब मैं देख रहा हूँ वन प्लस के साथ कोलैबोरेशन किया है, अभी मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर उस पर वीडियो बना रहे हैं। वन प्लस यार चाइनीज़ गेम है, उससे तुमसे क्या मतलब है? चाइनीज़ कंपनी है, गेम मैं नहीं कह रहा हूँ, चाइनीज़ कंपनी है, आप कहते हो जो चाइना वाइना का उसमें कोई भी कनेक्शन, उससे तुमसे क्या मतलब? इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया है। तो मैं कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ जिनके क्लिप्स देखने बाद आप लोगों को एटलीस्ट ये माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ भाई ने सही बोल रहा है कि बड़े यूट्यूबर्स को भी कुछ नहीं पता, एंड ये जो कंडीशंस हैं, ये जो चांसेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लो लग रहे हैं कि बीच में आ सके। सबसे पहले मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ। तो देखो क्या हुआ, क्या बताओ बताओ, बीच में आएगा कि नहीं आएगा, कि हमें न्यूज़ पे शिफ्ट होना चाहिए। यार देखो मैंने बहुत ध्यान दे दिया इसके बारे में, यार मेरे को वो विलन नहीं बनना है बीजीएमआई वालों के लिए, बट कोई फिर है कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताया, जो प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़ी सी कड़वी होती है। बीजीएमआई क्यों नहीं खेल रहे ब्रो? विराट भाई, आप विराट कोहली सर का रखिए प्रोफाइल, उनका नाम तो एटलीस्ट मत बिगाड़ो, हाल पल चीज़ लिख के। तो वही है, बीजीएमआई का कुछ सर फिर पता नहीं हमें गेम कब आ रहा है, तो मैं लोगों को होप्स नहीं देना चाहता कि आप भी उम्मीद बना के पढ़ाई छोड़ के बैठो। आई वुड सजेस्ट कि दूसरे गेम से बीजीएमआई जैसे जो है न्यू स्टेट, जिसमें आप तो ट्राई कर सकते हो। डू यू प्रेफर बीजीएमआई और न्यू स्टेट? आई प्रेफर अमंग अस भाई, आई सपोर्ट ई स्पोर्ट्स चाहे कोई भी गेम हो भाई। मैं ना इस बंदे को देख देख के पक जाऊंगा, और अब तो अपडेट भी नहीं आने वाला है। विजय माने की उम्मीद है बता दो, कोई उम्मीद नहीं है ब्रो अभी, देयर इज नो उम्मीद, बस अभी वेट करते रहो। उम्मीद पे दुनिया कहाँ है, मैं आपने ये लाइन सुनी होगी ना, बस ऐसे ही है, अपना काम करते रहो, अपनी दुनिया में मस्त रहो, मगन रहो, ठीक है, बढ़िया चलते रहो और चिल करो लाइफ में। जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जा चुका है ऑलरेडी, है ना, तो जब आएगा तो आएगा। जीएसएफ हरा दिल हर बिग फैन सर, बीजीएमआई कब आएगा? लगता तो ये मार्च में आएगा।